चाहते हैं वो इस्लाम है ज़बान की सदाकत का इस्लाम, वो इस्लाम है हाथ पैर का इस्लाम, वो इस्लाम है निगाहों की पाकीज़गी का इस्लाम, वो इस्लाम है रहन व फ़िक्र की पाकीज़गी का इस्लाम, वो इस्लाम है सखी कल्ब का इस्लाम, वो इस्लाम है लोगों को नफ़ा पहुँचाने का इस्लाम, वो इस्लाम है ऐसा कि जिसके ज़रिए से पूरी इंसानी बिरादरी को नफ़ा पहुँचाने का जज्बा बेदार हो जाए, और वो इस्लाम है माशरत का इस्लाम, वो इस्लाम है मामलात का इस्लाम, वो इस्लाम है अखलाकियात का इस्लाम। तो इस्लाम के पांच शोबे हैं, हमारे दीन के पांच चीज़ों को मिलाते हैं तो जाकर ये पूरा का पूरा एक दीन मुकम्मल बनता है। इबादात, मामलात, ईमानियात, अखलाकियात, माशरत। कहीं ना कहीं ईमान लाने के बाद हम आमाल सालेहा भी करते हैं, इबादात भी करते हैं, लेकिन जो पहलू हमारी ज़िंदगी का कमज़ोर होता है वो ये तीनों पहलू बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ज़िंदगी के, बहुत ज़्यादा। एक पहलू तो ये कमज़ोर होता है कि हम तो अख़लाक़ी ज़िंदगी हमारी बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब होती है, बड़ी अख़लाक़ी पस्ती का शिकार है इस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर, पूरे आलम के अंदर हम मुसलमान अख़लाक़ी पस्ती का शिकार हैं। कोई आदमी प्यार मोहब्बत से बात करने को तैयार नहीं है, और ना किसी को कोई मोहब्बत देने को तैयार है, और ना कोई मीठे बोल बोलने को तैयार है, ना किसी से कोई मुस्कुरा के बात करने को तैयार है। तो अख़लाक़ी ज़वाल इंसानों में आया जबकि जब इंसान अख़लाक के मिजाज से गिरता है और इंसान के अंदर अख़लाक़ी ज़वाल आता है और इसकी अख़लाक़ी क़दरें कम होती हैं तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहता। आप तसव्वुर करें कि अगर अख़लाक़ी ज़वाल आ जाए और ज़बान व बयान, लहजा व तर्ज़ जब ये बिगड़ जाएँ, जब आप किसी से तकल्लुम करें, गुफ्तगू करें, बातचीत करें, वो आपसे बात करें तो आपको क्या महसूस करेगा? वो यूँ समझेगा कि ये मैंने किस इंसान से गुफ्तगू की है, या अल्लाह ये इंसान था भी या नहीं था। बाज़ दफ़ा यूँ तजर्बात हुए कि लोगों से बातचीत हुई, बात करने के बाद यूँ अंदाज़ा हुआ वो इंसान फिर इंसानों की बोली नहीं बोलता बल्कि वो दरिंदों और हैवानों की बोली बोलता है। ये ज़बान अगर माँ बाप के लिए मीठी नहीं है तो आप अख़लाक़ी ज़वाल का शिकार हैं। ये ज़बान अगर बीवी बच्चों के लिए शीरी नहीं है, आप अख़लाक़ी पस्ती का शिकार हैं। ये ज़बान अगर अपने बहन भाइयों के लिए मोहब्बत के दो बोल बोलना नहीं जानती, हम और आप अख़लाक़ी ज़वाल का शिकार हैं। इस ज़बान के ज़रिए से अगर रिश्तेदार नाराज़ होते हैं, हम और आप अपनी अख़लाक़ी अकदार को खो चुके हैं। ये ज़बान अगर हमें लोगों से मोहब्बत करना इसके ज़रिए नहीं आता और लोग इसके ज़रिए से करीब नहीं होते तो हम इस ज़बान पर अल्लाह ताला से पनाह मांगें, ये ज़बान जहन्नम में ले जाएगी। तो इंसान के अखलाक का पता उसकी ज़बान से चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत आला सिफ़ात में से एक सिफ़त है कि जब आप तकल्लुम फरमाते हैं, आप जब गुफ्तगू फरमाते हैं, आप जब बात करते हैं किसी से, किस तरह उसके साथ महव गुफ्तगू हो जाते हैं, पूरे के पूरे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं आप अलैहिस्सलाम। आप अपना चेहरा बिल्कुल उस तरफ यूँ मुतवज्जा करते हैं, आप उसकी तरफ यूँ घूम जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम उससे बात करते हैं तो मुस्कुरा कर बात करते हैं। आपने फरमाया मुस्कुरा कर बात करना सदका है। आपने फरमाया जब कोई मिले तो उससे मुस्कुराओ, मुलाकात करो, सलाम करो, ये सदका है। लेकिन इन चीज़ों ये और जब कोई नया आदमी मिले तो उसको यूँ महसूस ना हो कि गोया कि मैं कोई नया आदमी हूँ, मेरे साथ नयापन बढ़ता जा रहा है, और जब कोई दूसरे इलाके का भी आदमी हो तो यूँ ना महसूस हो कि मैं दूसरे इलाके से आया हूँ तो मेरे साथ असबियत बढ़ती जा रही है और तासुब बढ़ता जा रहा है। तो इन्हीं ये वो बुनियादें थीं जिसको अल्लाह के रसूल ने ख़त्म फरमा दिया था कि आप अलैहिस्सलाम ने अख़लाक को इस कदर बुलंद किया था अपने भी और आपके तरबियत याफ्ता सहाबा के भी, कि हज़रात सहाबा के अंदर ऐसी सिफ़ात पैदा हो गई थी कि रोम से आने वाले सुहेबी रूमी को आपने अपना लिया।
हबशा से आने वाले बिलाल हबशी को आपने अपना लिया, और वो क्या बात थी कि अल्लाह के रसूल के अखलाक इतने आला थे कि हबशा में रहने वाले बिलाल वो आपके गिरविदा हो गए। क्या बात थी कि सुहेब रूमी रोम से आने वाला आपका गिरविदा हो गया। क्या बात है कि आदि इब्ने हातिम इस इतना बड़ा सरदार वो आपका गिरविदा हो गया। क्या बात है कि सुहेब हज़रत मुसब बिन उमेर हज़ारों दिरहम व दीनार का जोड़ा पहनने वाला वो आपका गिरविदा हो गया। ये इंसान की ज़बान हुआ करती है और उसके अखलाक हुआ करते हैं, उसका कैरेक्टर हुआ करता है कि अपनी ज़बान से, अपने हाथों से, अपनी बात से, अपने इशारों से, अपने किनायों से, अपने अंदाज से कभी किसी को तकलीफ न पहुंचाना राहतों की चाबी बन जाएं और नफ़रतों के ताले बन जाएं। नफ़रतों को सीनों के अंदर दफन करना सीख लें और लोगों को राहतें पहुंचाना शुरू कर दें। ऐसा इंसान मुआशरे में अपना मकाम बना लेता है। तो अपने आप की इस्लाह की सबसे बड़ी ज़रूरत है, हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें। इस मामले में गुजारिश करना चाहूँगा, तालिबात भी, बेटियाँ भी, बच्चियाँ भी सुनती हैं, बात बात पर ज़िद करना, बात बात पर चिढ़ जाना, बात बात पर घर वालों से लड़ बैठना, बात बात पर माँ बाप का जवाब देना, या आप ऐसा बीज बो रहे हैं कि इस बीज के असरात और इसके समरात आपको अपने ससुराल में काटने पड़ेंगे। आप जिसके घर बहू बनकर जाओगी कि जिसके घर की जीनत आप बनोगी जाकर, फिर आपको वहाँ इसका नतीजा गलत ना भुगतना पड़ जाए। अपनी ज़बानों पर बच्चियाँ कंट्रोल करें। और बेटों से कह रहा हूँ, माओं से और वाले अपने बापों से, अपने वालिदों से, तुरशरूई में बात ना किया करो। ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, इंसान बहुत ज़्यादा बाखलाक बन रहा होता है, घर वालों के साथ बड़ा बदअखलाक, बाहर बहुत बाखलाक। हदीस में आता है क़ुर्ब क़यामत की अलामत में से है, बेटा अपने दोस्तों को देखकर यूं हाथ बाहें फैलाएगा और कहे ओहो आ जा मेरा दोस्त, और गले से लगाएगा, और बाप को देखकर रास्ता बदल देगा और बाप को पहचानेगा भी नहीं। इस कदर अखलाकी जवाल का उम्मत शिकार है। हम मर्ज़ ढूंढ रहे हैं अमरीका में, हम मर्ज़ ढूंढ रहे हैं इसराइल में, हम मर्ज़ ढूंढ रहे हैं, बीमारी ढूंढ रहे हैं यहूदियों के अंदर। हम दिन ब दिन ये दिन भर ये फिक्र में बैठे हूँ, ईसाई बम मार रहा है, ईसाई ये जो दिलों पर हमने बम मारे इनका क्या होगा, ये जो लोगों के सीने हमने छलनी किए, इन बमों और बारूदों का कौन इनको मरहम लगाएगा और इस दर्द का मदावा कौन करेगा। यहाँ पहले अपने दामन के चाक तू रफू कर ले, पहले अपने दामन के चाक तू रफू कर ले, कौन सुनेगा मेरी चाक दामानी का अफसाना। यहाँ सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं, कौन सुनेगा मेरी चाक दामानी का अफसाना। हालत यहाँ इतनी बुरी है और हम दिन रात फलाने की साजिश, फलाने की साजिश, फलाने की साजिश, फलाने ने बम मार दिया, फलाने हथियार बना दिया, फलाना ये वायरस ले आया, न जाने मैं कब बदलूंगा, मेरी ज़बान कब बदलेगी, मेरा अखलाक कब बदलेगा, मेरा मामला कब बदलेगा। तो अखलाकी जवाल का हम बहुत ज़्यादा शिकार हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इसको, इस पर गौर करना पड़ेगा कि ज़बान, अल्लाह अपनी आवाज़ को ऊँचा ना करें माँ बाप के सामने, अपने बहन भाइयों का दिल ना दुखाएँ। वो ईद का मौका आता है, सारे मोहल्लों को, मोहल्ले वालों को मुबारकबादें बांटी जा रही हैं, अमेरिका, जापान, अफ़गानिस्तान, फ्रांस, जापान, न जाने कहां कहां तक वो बांटी जा रही है मुबारकबादें, और शब बरात का, शब कदर का मौका आता है तो माफ़ियां मांगी जा रही हैं। भाई रूठा पड़ा है, फ़िक्र ही कोई नहीं, माँ रूठी पड़ी है, फ़िक्र ही कोई नहीं, बहनें नाराज़ हैं, फ़िक्र ही कोई नहीं, बहनों का हक खा के बैठा है, फ़िक्र ही कोई नहीं, जाके शब कदर में रो रहा है। तो अखलाकी ज़वाल का हम शिकार हैं। दूसरा, फिर मामलात हमारे बर्बाद हो गए, फिर हमारे मामलात बर्बाद हो गए। इबादतें इंसान को अल्लाह के क़ुर्ब अता करती हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद के सिलसिले में इस्लाम बहुत सख्त है। याद रखिएगा इस जुमले को, अल्लाह ताला बड़े गफूर और बड़े करीम हैं, अल्लाह ताला अपने मामलात और अपने हुकूक को तो माफ़ कर देंगे, बंदों के हुकूक का ताल्लुक बंदों से होगा, जाओ उससे ले लो, जाओ उससे ले लो, वो माफ़ कर दे क़यामत के दिन, फिर तो ठीक, और माफ़ ना करे तो मसला बन जाएगा। तो इंसानों से मामलात दुरुस्त करें, अल्लाह ताला से अपने मामलात, तन्हाई के मामलात दुरुस्त हों और इंसानों से फिर मामलात दुरुस्त हों। तो लोग कहते ना कि मैंने तो यार बस वो मुझे ऐसा हुआ कि मैंने सुना दिया, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती बात, मैंने सुना दिया बस, आज तो
क्या बात, आपने सुना के अच्छा नहीं किया है, आपने बर्दाश्त करके अच्छा किया होता, बर्दाश्त करके अच्छा किया होता। तो बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त से मुआशरा तबाह हो गया। जब इंसान मुआशरे में अखलाकी गिरावट का शिकार होता है, अखलाक जब गिर जाते हैं और अखलाक आपकी ज़बान से टपकते हैं, इसीलिए आप अलैहिस्सलातु एक कौल है ना अरबी का बड़ा मशहूर, अलमरउ तहत लिसानी ही, इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है, मोहब्बत से बात करने को तैयार नहीं है, और फिर मामलात इतने ख़राब, मामलात में पैसे मार रखे हैं लोगों के, लोगों को देना नहीं चाह रहे, यहाँ बहनों का हक खा रखा है, यहाँ किसी से 20 साल पहले कर्ज लिया था, वो पैसे आए जा रहे हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी किए जा रहे हैं, लेकिन देने का कोई ख्याल ही कोई नहीं। तो ये इंसानों के मामलात हम क्यों नहीं अदा करते, इंसानों के हुकूक हम क्यों नहीं अदा करते। फिर उसके बाद आता है मामला ये माशरत का, हमारी माशरत बहुत तबाह, अखलाक गिरे, मामलात गिरे, फिर हमारी माशरत तबाह हो गई। ये तमाम चीज़ों का असर, इन तमाम चीज़ों का असर वो पूरे के पूरे इंसानी माशरे पर और इंसानी सोसाइटी पर, इंसानी समाज पर पड़ता है। हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमारी इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता, तो पूरे माशरे को तबाह करने वाले मैं और आप हैं, हमसे बड़ा मुजरिम इस सरज़मीन पर कोई नहीं है, हमसे बड़ा मुजरिम नहीं है कोई इस सरज़मीन पर, अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह की ज़मीन को खाकर हम एक अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज और अच्छा माशरा नहीं बना सके। 200 लोगों की रहने की जो चाल होती है और 200 लोगों के रहने का जो इलाका होता है, 200 लोग घरों की जो बस्ती होती है, 200 घरों की जो बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग का भी मुआशरा और सोसाइटी पूरी तबाह होती है। एक दूसरे का जो आपस में मोहब्बत से मिलने का मिजाज होता है वो ख़त्म होता है। हर आदमी अपने आप में एक फंटर बना हुआ है, हर आदमी अपने आप में एक पटेल है बम्बई की ज़बान में, हर आदमी अपने आप में एक भाई है, हर आदमी अपने आप में मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, अनाना वाला गैरी, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। मर्द अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, औरतें अपने आप को कुछ समझ रही हैं, मौलवी अपने आप को कुछ समझ रहा है, प्रोफेसर अपने आप को कुछ समझ रहा है। तो एक दूसरे का जो वक़ार था, एक दूसरे का जो मकाम था, एक समझ रहे हैं। तो इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि माशरत के सिलसिले में एक बात याद रखें कि आपके अखलाक से आप बनते हैं, आपके बनने से आपका पूरा पूरा माशरा बनता है, आपका पूरा समाज बनता है। इसीलिए एक बड़े अल्लाह वाले मुझसे फरमाने लगे कि पूरी की पूरी इंसानी बिरादरी और पूरा का पूरा समाज दो लोगों के सुधरने से सुधर जाएगा, एक मर्द बदल जाए, दूसरा औरतें बदल जाएं, ये पूरा का पूरा मुआशरा और पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा समाज अपने आप बदल जाएगा। ना मर्द बदल रहा है, ना औरतें बदल रही हैं। मर्दों को फिक्र है कमाने की, औरतों को फिक्र है गंवाने की। वो ला रहा है पैसे, यहाँ शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही है, वो ला रहा है पैसे, यहाँ पे पहली प्लानिंग की लिस्ट बनी हुई है, तो ये इन दो फिक्रों में वो हराम लाएगा और यहाँ ये हराम में उड़ा के आएगी, तो और यहाँ पे बच्चे फिर हराम खोरी कर रहे हैं नीचे, ये दो यहाँ से सर्कल चला और बीच में ये नीचे जितने बच्चे थे ना, ये सब हराम खोरी करेंगे फिर। तो ये हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है जिसको हम तस्लीम नहीं कर रहे। हम समझ रहे हैं कि जनाब वो पैसे अच्छे ना, अच्छे पैसों से माशरा अच्छा बनता है, ना अच्छी सोसाइटी में रहने से माशरा अच्छा बनता है। जब तक के दिल अच्छे नहीं बनते, ज़हनियत अच्छी नहीं बनती, एहसासात अच्छे नहीं बनते, जज्बात अच्छे नहीं बनते, आप और मैं अच्छे नहीं बनते, लोगों के लिए मोहब्बत से मिलना नहीं आता, आजिज़ी और तवाज़ो नहीं आती, लोगों के लिए हमदर्दियाँ नहीं आती, आपस में बीमारों की मिजाज पुरसी नहीं आती, लोगों का ख्याल नहीं आता, मुआशरा अच्छा नहीं बनता। ये तजर्बा करके देख लें, अगर पैसों से मुआशरा अच्छा बनता तो अमेरिका की मिसाल दी जाती, रशिया की मिसाल दी जाती, जापान की मिसाल दी जाती, अफ्रीका की मिसाल दी जाती, तमाम पैसे वाले ममालिक की मिसाल नहीं दी जाती, बल्कि मिसाल दी जाती है जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस 1400 साल पुराने मदनी मुआशरे की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया था। और ऐसा प्यारा मुआशरा आपने कायम फरमाया था कि घर के अंदर
सलाम के बग़ैर कोई दाखिल नहीं होगा, पिछले दरवाज़े से कोई नहीं जाएगा। उनका मुआशरा कुरानी मुआशरा बन चुका था, उनका पूरा का पूरा मुआशरा इस्लामी मुआशरा बन चुका था, उनका पूरा का पूरा मुआशरा नबवी मिजाज में अपने आप को ढाल चुका था। इसलिए मिसाल जब दी जाती है तो उस 1500 साल पुराने समाज और मुआशरे की दी जाती है, छोटी सी बस्ती मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शर्फ़न व इज़्ज़तन व तकरीमा की दी जाती है। अमेरिका जापान फ्रांस की मिसाल नहीं दी जाती, पूरी की पूरी कायनात और पूरी की पूरी इंसानी बिरादरी की कामयाबी इसी बात में कि मदनी मुआशरा बनेगा तो मुआशरा अच्छा बनेगा, नबवी मुआशरा बनेगा तो मुआशरा अच्छा बनेगा, कुरानी मुआशरा बनेगा तो मुआशरा अच्छा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। वो ऐसा वैसा मुआशरा नहीं था। आज एक दूसरे को, आज तो यहाँ बीवियों का हाल शोहरों के साथ बुरा है, शोहरों का हाल बीवियों के साथ बुरा है, बीवी को शोहर के हुकूक मालूम नहीं है, शोहर को बीवी के हुकूक मालूम नहीं है, दोनों एक दूसरे के हुकूक से गाफिल हैं। और जब एक दूसरे के हुकूक से ये दोनों गाफिल हैं तो फिर लड़ाइयाँ बज रही हैं। वो कहता है तुमने मेरा ये काम नहीं किया, वो कहती तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। तो क्यों, अना की जंग चल रही है, अना की जंग, मुआशरे अना की जंग से तबाह हो जाते हैं, अना की जंग से मुआशरे तबाह हो जाते हैं। जब इकराम आता है कि इकराम आ गया दिलों के अंदर, मैं अपने हुकूक़ की रियायत करते हुए अपने पड़ोसी के, अपने भाई के, अपनी बीवी के, अपने बच्चों के, अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के हुकूक़ को अदा करूं, ऐसे बनता है इस्लामी माशरा। और ये अल्लाह के रसूल ने मदनी माशरा ऐसे कायम फरमाया था। तो समाज में जो आज ये अना की जंग चली है ना कि बस मेरी सुनी जाए, मेरी मानी जाए, मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, ज़माने के अंदर दुनिया के अंदर कोई परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ कोताहियाँ सबसे होती हैं। और माशरे के अंदर जो एक बहुत बड़ा वबाल आया है, हर आदमी दूसरे को इनकम्प्लीट और बिल्कुल समझ रहा है, अनपरफेक्ट समझ रहा है, वो समझ रहा है वो परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं कामिल और अकमल हूँ। भाईजान, कामिल और अकमल अल्लाह के रसूल के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। तमाम के तमाम इंसान नकाइस के पुतले हैं, तमाम के तमाम इंसान ख़ताओं के पुतले हैं, तमाम के तमाम इंसान ख़ताओं के सरचश्मे हैं, ये तो होंगी। अब आप मुआशरा तबाह करना चाहते हैं तो गलतियों को पकड़ना शुरू कर दें, बाप मियाँ बीवी एक दूसरे की गलतियां पकड़ें, भाई भाई गलतियां पकड़ें, बहन भाई एक दूसरे की गलतियां पकड़ें, बेटे बेटे एक दूसरे की गलतियां पकड़ें, और एक दूसरे की गलतियां पकड़ें, टांग खींचें, मुआशरे में आम करें, इंशाल्लाह मुआशरे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो आप और मैं, जो अच्छा यहूद हमसे यही चाहते हैं, हम मुआशरे का बेड़ा गर्क करें, हम अपने मुआशरे को बर्बाद करें, अल्लाह ताला ये नहीं चाहते। अल्लाह ताला कूनु इबादल्लाह इख्वाना, आपस में भाई भाई बनो। और ये कहा जा रहा है कि दिलों की नफरतों नफरतें, दिलों की फटन, दिलों के बुग्ज़, दिलों के इनाद, दिलों के कीने, इनको दूर करो, दिल सीने को सीने बेकीना बनाओ। कायनात का सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके दिल में किसी मखलूक के बारे में कोई कीना ना हो। रूए ज़मीन का सबसे बेहतर इंसान वो है जिसका दिल मखलूक से पाक हो। हालात आते हैं, लोग सताते हैं, परेशानियाँ आती हैं, दिल से निकाल फेंको, दिल से निकाल फेंको, नहीं निकाल सकते, दुआ करो उसके लिए। आज हसद का इस तरह मिजाज बन गया लोगों का, हसद का जो आला दर्जा होता है ना, तीन दर्जा आते हैं, एक तो ये कि या अल्लाह इसको नेमत मिली मुझे भी मिल जाए, ये अच्छी बात है, एक तो ये कि या अल्लाह इसको क्यों मिली मुझे क्यों नहीं मिली, और जले जा रहे हैं जले जा रहे हैं, और उसकी नेमत ख़त्म हो जाए, एक तो ये मुझे मिल जाए बहुत अच्छी बात, एक ये कि ना इसको मिले ना मुझको मिले, किसी इसकी नेमत ख़त्म हो जाए मुझे मिले या ना मिले, तो दूसरे के ज़वाल नेमत की कोशिश है। तो ये इतना ज़वाल का शिकार है हमारा मुस्लिम माशरा कि हम और दूसरों के गिरेबानों में झांक रहे हैं, दूसरों के गिरेबानों में, फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने वो कर दिया, फ़लाने ने ये बम बना दिया, फ़लाने ने वो वायरस बना दिया। भाईजान, हमारी ज़िंदगी का जो इतना ख़तरनाक वायरस है, बद अखलाकी का वायरस, हमारी ज़िंदगी का जो इस कदर बदतमीज़ वायरस है और बद किरदार जो हम बन चुके, बद किरदारी का वायरस, इसकी वैक्सीन कहाँ है? और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ टूटे हुए हैं, और अपनी खलवतों को बहुत पाक करना पड़ेगा, अपनी तन्हाइयों को बहुत पाक करना पड़ेगा। क़यामत के दिन, हदीस में आता है ना, एक बात याद आ गई, सुना देता हूँ। इंसान क़यामत के दिन बहुत सारे पहाड़ों के बराबर, बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर नेकियाँ लेकर जाएगा, लेकिन वो नेकियाँ ज़ाय हो जाएंगी। पूछा जाएगा क्यों भाई, क्यों ज़ाय हो गई? मफहूम सुना रहा हूँ, ज़ाय इसलिए हो गई नेकियाँ, किसी को गाली दी थी, किसी को बुरा कहा था, किसी को मारा था, नेकियाँ सब ज़ाय हो गई। तो हमारी मुआशरत, हमारे मामलात,
हमारे अखलाकियात, हम तीनों तरह से अपनी एक एकदम जो जिस एतबार से मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये गोया कि बिल्कुल लुंज पुंज ज़िंदगी है और ये टुटपंजी की ज़िंदगी है बिल्कुल, और ये टूट रहा है बिल्कुल इस्लामी मुआशरा, और इस्लामी मुआशरे की कमर हमने तोड़ रखी है क्योंकि हम अपनी ज़ात की मेहनत के अलावा पूरी की पूरी इंसानियत पर मेहनत की कोशिश कर रहे हैं और पूरी इंसानियत की इसलाह की फ़िक्र कर रहे हैं। हर आदमी से मिलो तो वो सुनाएगा कि यार वो फ़लाँ साहब से अब्दुलरज़ाक भाई, उन्होंने तो यार ऐसा कर दिया, फ़लाने की लड़की छेड़ दी थी, और वो उससे मिलो वो कहेगा सलीम भाई ने यार फ़लाने का 5 लाख रुपया खा लिया था, आपको पता है मुफ्ती साहब। और वो तीसरे से मिलो तो वो कहेगा आपको पता है वो जो वहाँ पर क्या नाम है रुकैया आप रहती थी ना, वो उनकी बेटी भाग गई। अबे भाई अब, और जब तीसरे से मिलो तो वो बताएगा वो जो आपसे मिला था ना सलीम, कलीम मिलेगा सलीम को, कहेगा सलीम ने यूँ कहा था असल में कि वो जो सलीम की तो बेटी 2 महीने पहले खुद ही भागी थी भाईजान। तो हर आदमी दूसरे पर निगाह रख रहा है, अपनी ज़ात पे गाफिल। एक पल को तेरी याद से गाफिल हुआ था मैं, एक पल को तेरी याद से गाफिल हुआ था मैं, तब से अपनी ज़ात के पिंजरे में बंद हूँ। और यहाँ पर नुकसान ये होता है, हालात जो है ना लॉकडाउन अल्लाह ताला करे ख़त्म हो जाएगा, मुझे एक बात और कहनी है हालात के अतबार से, एक दो बात अर्ज़ कर दूँ। माशाल्लाह मस्जिद नबवी भी खोल दी गई, अल्लाह का एहसान है, अब वहाँ पर भी नमाज़ें शुरू हो जाएंगी, रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी, प्यारे आका मदीना सल्लम के रोज़े पर जाएंगे लोग, अपने दिल का हाल सुनाएंगे। ओहो क्या अर्ज़ कर रहा था मैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी ज़ायरा वसीम, जो अब एक्ट्रेस नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको चंद महीनों पहले हिदायत दी, दंगल फिल्म में उन्होंने आमिर भाई के साथ काम किया था और बच्ची का रोल अदा किया था बड़ा, तो और बिल्कुल अरूज पर पहुंची थी उस फिल्म के ज़रिए, और भी गालिबन एक दो फिल्मों में रोल अदा किया। बहरहाल तो वो ऐसा वक्त था कि बिल्कुल अरूज का ज़माना था और फिल्में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखे हुए थे सारे, लेकिन अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो बस वो हिदायत मिल गई। अब वो उन्होंने पूरी बिल्कुलिया तौर पर जो है बॉलीवुड से अपना रिश्ता तोड़ दिया। जब उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ा तो ये जो ग्लैमर की दुनिया है ना, मैं आपको दावे और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग मरते हैं, कई सारे ऐसे लोग जो पुरानी फिल्मों में काम करते थे, मैं तो नाम जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा वरना आप कहेंगे मुफ्ती साहब तो बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं इसमें, पता है बस कोई ज़माना था हमारा भी स्कूल और कॉलेज का ज़माना, तो इन्हीं रास्तों से गुजरा हूँ। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि वो इतनी बुरी मौत मरते हैं कि ये उनको पूछने भी नहीं जाते, बहुत सारे ऐसे लोग वो गरीब होते हैं बिल्कुल, मैं नाम गिना सकता हूँ आपको, नाम नहीं गिनाऊँगा, लेकिन कई ऐसे बूढ़े मरे 90 साल और 100 साल की उम्र में कि बिल्कुल उनकी ये, आपको मैं इंसानी ज़िंदगी की और ग्लैमर की दुनिया की तल हकीकत बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर आना बंद होते हैं, लोग नाम लेना छोड़ देते हैं, स्क्रीन पर आना बंद होते हैं, इज्जतें देना छोड़ देते हैं, स्क्रीन पर आना बंद होते हैं, आपका ख्याल नहीं किया जाता, स्क्रीन पर आना बंद होते हैं, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलता, स्क्रीन पर आना आप बंद होते हैं, आपके पास कोई पेंशन नहीं पहुँचाई जाती, यहाँ तक कि हाल ये बन पड़ता है कि आप स्क्रीन पर आना बंद होते हैं, आपकी दवाइयों तक का खर्च नहीं उठाया जाता और आपको चंदा मांगना पड़ता है। ये इस बॉलीवुड की और ग्लैमर की दुनिया की तल्ख हकीकत है। तो ज़ायरा वसीम साहिबा ने ये इंडस्ट्री छोड़ी, तौबा की, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो बहुत ज़्यादा वो लिबरल लोग और इंडस्ट्री के लोगों ने इन पर तंज़ और तनकीदें की। अभी कल की बात है, जो टिड्डियों का मामला हुआ तो उन्होंने आयत कोट की, फ़ासलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद, ये वाली आयत गालिबन उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कोट की कि जब हालात बिगड़ते हैं, जब किब्र आता है, अल्लाह ताला से रूगर्दानी आती है, कौम मुजरिमीन, जब लोग मुजरिम बनते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं तो उनके ऊपर इस तरीके के अजाब अल्लाह डालता है, जैसे उन्होंने आयत कोट की ट्विटर पर। अब लिबरल तबके ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, ये बहुत ये बन रही है मुल्लानी बन रही है और बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रही है और न जाने क्या 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 क्या। भाईजान जब उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया, आप लोगों से रिश्ता नाता तोड़ दिया, आपको क्या हक है अब वो आप उनके ऊपर आकर तनकीदें करें। तो ये होगा जब आप बुराई से अच्छाई की तरफ, अगर ये लोग आपके लिए मुखलिस होते तो इनको तो आपसे मोहब्बत ही, तो ये तो आपका सपोर्ट करते हैं ना, ये कहते हैं भाई ठीक है उसकी अपनी ज़िंदगी, आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये इनको ये कहना चाहिए था इन लिबरल लोगों को कि भाई ऐसा है कि आप
आपको आज़ादी का पूरा पूरा हक है, आप जो चाहें वो करें, आपकी ज़िंदगी है। यहाँ पर हमारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने सबको हक दिया है अपने मज़हब पर अमल करने का, इजहार राय की आज़ादी है, लिहाजा आप जो चाहें वो करें। ट्विटर अकाउंट है आपका और आप अपने पैसे से लिख रही हैं, अपना नेट पैक है आपका, तो ये होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया। तकलीफ इस बात की नहीं है कि ज़ायरा वसीम ने बॉलीवुड छोड़ा, अगर ज़ायरा वसीम बॉलीवुड छोड़कर कुछ और काम धंधे पे लग जाती, मिसाल के तौर पे किसी बिजनेस में चली जाती ना, और बॉलीवुड छोड़ती, बस ठीक है वहाँ से पैकअप कर लिया या वहाँ से थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, यूँ होता और कोई बिजनेस करती तो कोई तकलीफ़ ना होती। तकलीफ़ ज़ायरा वसीम के इस्लाम को फॉलो करने से है, कुरानी आयात को फॉलो करने से है, और इस्लाम की वजह से बॉलीवुड छोड़ने से पता ये चला कि टारगेट पर ज़ायरा वसीम नहीं है, टारगेट पर इस्लाम और कुरान है। ये तल्ख हकीकत है। और आप जब भी इस्लाम पर आएंगे, बातिल इसी तरीके से आपको ट्रोल करेगा। अल्लाह ताला के नला यखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की परवाह मत करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हालात को साजगार फरमा दे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले महीने में पूरे मुल्क के हालात बहाल हो जाएंगे और पूरे मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा कायम होगी। तो गुजारिश ये है कि दो तीन बातें, मेरा पैगाम है, उनका जो काम है अहले सियासत जाने, उनका जो काम है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा हाँ, लॉकडाउन के बारे में ये कह रहा था कि वो लॉकडाउन देखो बहुत लंबा हो गया, परेशान है पूरी खल्क़ खुदा, पूरी परेशान है। तो ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से इसको इम्तिहान समझे, आजमाइश समझें। आमाल तो ऐसे हैं कि इससे बदतर ज़िंदगी हो, वो तो करम है उस मालिक कायनात का कि जिसने इतने पर ही बस कर दिया और बता दिया कि लॉकडाउन भी कोई चीज़ होती है और कायनात का निज़ाम इस तरह से ठप किया जा सकता है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इस लॉकडाउन में जो वक्त बचा हुआ है, अपने वक्त को कीमती बनाएँ, अपने वक्त को बहुत कीमती बनाएं। जो वक्त बचा हुआ है, अपनी बदामालियों पर गौर कर लें, अपने हालात पर गौर कर लें, अपने मामलात पर गौर कर लें, और जाने के बाद गोया यूँ समझें जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, बाहर निकलने के बाद फिर और मस्ती की ज़िंदगी ना गुजारें और गुनाहों में हम ना पड़ें कि भाई जान अब तो ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब तो जो मर्ज़ी वो करें, अब तो जीने के हैं चार दिन बाकी हैं, बेकार दिन, जवानियाँ एक बार फिर ना है, इस तरह की बातें ज़बान पे ना लाएं और ना दिमाग में इसको जगह दें। बल्कि ये जीने के जो चार दिन हैं, वाकई बहुत ही चार दिन हैं, थोड़े से दिन है, पता नहीं कब मौत का झटका आ जाए। इसीलिए अल्लाह ताला से अपना मामला सुलह ठीक ठाक रखें, अल्लाह के बंदों से अपना मामला ठीक ठाक रखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी ठीक ठाक गुजरेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर ज़िंदगी अता फ़रमाए और बेहतर मौत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نجعلك، اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے और बंदियां आपके दरबार में हाजिर हैं। ए अल्लाह, ज़ाहिर में तो हम आपके बंदे हैं, हकीकत में बड़े गंदे हैं। ए अल्लाह, हमें अपने गंदे होने का एतराफ़ है। अल्लाह, हमें अपने गंदे होने का इकरार है। अल्लाह, हमें अपने गुनाहगार होने का इकरार है। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमने आपको बहुत नाराज़ किया है, दिन के उजालों में बहुत नाराज़ किया, रात के अंधेरों में बहुत नाराज़ किया, महफ़िलों में नाराज़ किया,
तन्हाइयों में नाराज़ किया। ए कायनात के बनाने वाले अल्लाह, आप देखते रहे, आपने अजाब न भेजा। होता तो ये कि आप अजाब भेज देते, हमारी शक्लों को बदल देते, हमारी शक्लों को बंदरों और सुअरों की शक्ल का बना देते, लेकिन आपने करम फरमाया है। ए बहुत प्यारे अल्लाह, ए बहुत करम करने वाले अल्लाह, ए कायनात को बनाने वाले अल्लाह, ए हाथ पैर देने वाले अल्लाह, हमें आपकी नेमतों का हक अदा ना हो सका। हम दिन रात आपकी नेमतों में पलने के बावजूद आपकी नाशुक्री करते रहे, आपकी नाफरमानी में लगे रहे। ए अल्लाह, लेकिन आपने बड़ा करम फरमाया, आपने हमें अजाब नहीं दिया। अल्लाह, अजाब दे देते तो हमारा क्या बनता। अल्लाह, आप चाहते हमें ज़मीन में धंसा देते, हम आपसे कोई शिकवा ना कर पाते। आप चाहते ज़बानों के बोलने की सलाहियतें छीन लेते, हम गूंगे हो जाते। आप चाहते हाथों की ताकत को शल कर देते, हम कुछ ना कर पाते। आप चाहते तो पैरों को लंगड़ा कर देते, लुंझा बना देते, हम कुछ ना कर पाते। ए करीम रब्बा, ए प्यारे अल्लाह, आपने जैसे अब तक निभाए रखा है, अल्लाह हमें नेक होने का गर्रा हो गया है। अल्लाह, हमें सफ़ेद लिबास पहनकर लोगों को धोखा देने का ख़तरा हो गया है। ए करीम आका, ए अल्लाह, अगर आपने सत्तारी न की होती तो जो लोग आज इज्जतें दे रहे हैं, थूकना भी पसंद न करते। ए सत्तार अल्लाह, जैसे आपने अब तक सत्तारी का मामला कर रखा है, आगे भी सत्तारी का मामला फरमाए रखिएगा, हमारे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाए रखिएगा। ए अल्लाह, वो तो आपकी सत्तारी की चादर पड़ी हुई है, तो बहुत बहुत ही इज्जत के साथ ज़मीन पर चलते हैं। ए अल्लाह, आपको आपका खाकर आपकी ना गा सके। ए अल्लाह, कुत्ते से ज़्यादा बेवफा बन गए, जो रोटी के टुकड़े खाकर भी अपने मालिक से वफाएँ करता है। ए बहुत प्यारे अल्लाह, ए करम करने वाले अल्लाह, एक बार मोहब्बत की निगाह से देख कर हमें अपना बना लीजिए। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह, हमारी माशरत को अच्छा कर दीजिए, हमारे अखलाकियात को अच्छा बना दीजिए, हमारी ज़बान को प्यारा बना दीजिए, हमारी ज़बान में मिठास और हलावत दे दीजिए, हमारी ज़बान पे हिदायत के बोल उतार दीजिए, हमारी ज़बान को इंसानों की हिदायत का ज़रिया बना दीजिए। ए अल्लाह, सोज़ दिल अता फ़रमा दीजिए, दर्द दिल अता फ़रमा दीजिए, दर्द मखलूक अता फ़रमा दीजिए, इंसानियत की तड़प और फ़िक्र अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, पूरी इंसानियत के लिए कोई काम ले लीजिए। ए रब्बे करीम, ए रूठे हुए अल्लाह, मौसम का हाल बता रहा है आप नाराज़ हैं, मौसम की तपिश बता रही है आप नाराज़ हैं, बेमौसम फल बता रहे हैं आप नाराज़ हैं, फलों की बदमजगी बता रही है और लुटे हुए जायके बता रहे हैं आप नाराज़ हैं, कलियों का बेनूर होना बता रहा है आप नाराज़ हैं। ए अल्लाह, मौसम का हाल बता रहा है आप नाराज़ हैं, ज़मीन का बंजर होना बता रहा है आप नाराज़ हैं, लुटती पिटती फसलें और बहारें बता रही हैं आप नाराज़ हैं, बेमौसम बारिश बता रही है आप नाराज़ हैं, अल्लाह दिन की गर्मी बता रही है आप नाराज़ हैं, बाज़ालिम बादशाह का आना बता रहा है आप नाराज़ हैं, मुसलमानों का मारा जाना बता रहा है आप नाराज़ हैं। ए रूठे हुए अल्लाह, मान जाइए ना, ए अल्लाह मान जाइए ना। ए रब्बे करीम, हमारे पास आपका एक लौता दर है जहाँ हम अपनी आरज़ू ला सकते हैं, अपने दिल का हाल बयान कर सकते हैं। आपके अलावा कोई दर नहीं जहाँ से छोड़कर चले जाएं, वो तेरा ही दर है जहाँ आरज़ू नहीं जाती। ए परवरदिगार आलम, ए करीम अल्लाह, ए शफीक अल्लाह, अल्लाह छोटा सा बच्चा अपनी माँ को थोड़ी दो चार बार अम्मी अम्मी कहकर पुकार दे, वो भी बेटा बेटा कह कर पुकारने लग कर उसको गले लगा लेती है। अल्लाह, हम भी आपके दामन रहमत में जगह लेने आए हैं, हमें भी अपना बंदा कहकर, इबादी कहकर, इबादी कहकर अपने गले अपने दामन रहमत से लगा लीजिए, अपनी आगोश रहमत में जगह अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह, सच्चा तकवा अता फ़रमा दीजिए, खलवतों का डर अता फ़रमा दीजिए, तन्हाइयों का तकवा अता फ़रमा दीजिए, हमारी तन्हाइयों को भी पाक कर दीजिए, हमारी खलवतों को पाक कर दीजिए। ए रब्बे करीम, हमें नेक बना दीजिए। अल्लाह, हम नेक बनना चाहते हैं, हम गुनाह नहीं करना चाहते, हमें बार बार नफ्स शैतान गुनाह करा देता है। ए बहुत करम करने वाले अल्लाह, ए बहुत फजल फरमाने वाले अल्लाह, हमें नेक बनाकर अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लीजिए, हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लीजिए। या अल्लाह, जो
बहन भाई सुन रहे हैं, जो बच्चियाँ ख़वातीन सुन रही हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमा दीजिए। हम सब का बोलना सुनना अमल करना दूसरों तक पहुँचाना आसान फ़रमा दीजिए। अल्लाह हमारी इस्लाह फ़रमा दीजिए, अल्लाह हमारी इस्लाह फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे मदारिस की, मराकिस की, दावत तबलीग के काम की, खानकाहों की, अल्लाह वालों की, जहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है, प्यारे अल्लाह सब की इस्लाह फ़रमा, ए अल्लाह सब की मदद फ़रमा दीजिए, सब की हिफाजत फ़रमा दीजिए, सब की मदद फ़रमा दीजिए, सब की हिफाजत फ़रमा दीजिए, हमारे अकाबिर की हिफाजत फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह बातिल के फितनों से, फितनों के फितनों से, हासिदीन के हसद से हमारी हिफाजत फ़रमा दीजिए, शरीरों के शर से हिफाजत फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह बहुत सी बच्चियाँ घरों के अंदर बेनिकाही बैठी हैं, अल्लाह सबको मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फ़रमा दीजिए, गैबी रिश्तों का इंतज़ाम फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह बेहतर रिश्ते अता फ़रमा दीजिए, नेक व सालेह रिश्ते मोहब्बत करने वाले खाविन नसीब फ़रमा दीजिए, दीनदार मोहब्बत करने वाले शोहर अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह मुती और फरमाबरदार बीवियाँ अता फ़रमा दीजिए, बीवियों को शोहरों की आँखों की ठंडक बना दीजिए, औलाद को आँखों की ठंडक बना दीजिए, औलाद को जहमत बनने से बचा दीजिए, वालिदैन को औलाद के दुखों से बचा दीजिए। ए परवरदिगार आलम पूरे आलम में हमारी आवाज़ को पहुँचा दीजिए, अल्लाह पूरे आलम में हमारी आवाज़ को पहुँचा दीजिए, इंसानियत का काम ले लीजिए, हिदायत का काम ले लीजिए। अल्लाह ज़मीन पर तब तक बाकी रखिए जब तक, अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, मांगने का सलीका अता फ़रमा दीजिए, मांगने का सलीका अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह तेरी एक निगाह की बात है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमें अपनी पस्ती की है शर्म, तेरी रफ़अतों का ख्याल है, हम अपने दिल का क्या करें, इसे फिर भी शौक़ विसाल है। ए रब्बे करीम, ए बहुत करम करने वाले अल्लाह, आपने जैसे दीन के लिए चुना है, मौत तक दीन का काम लेते रहिएगा, देर और दूर के लिए फ़ैसले फ़रमा दीजिए, मुल्कों की हिदायत के लिए कबूल फ़रमा लीजिए, मुल्कों की हिदायत के लिए कबूल फ़रमा लीजिए, मुल्कों मुल्कों जाकर आप अपने दीन का काम करने की तौफीक अता फ़रमा दीजिए, अफ्रीका के जंगलों तक भी ले जाइए, नील के दरिया तक भी ले जाइए। ए करम करने वाले अल्लाह, दीन के लिए जितने असबाब लगें सब आप मुहैया फ़रमा दीजिए, हम तो बेसरो सामानी के आलम में निकल पड़े हैं, हमारे पास आपके नाम के सहारे के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह हमारी मस्जिद बनवा दीजिए, हमारा मदरसा बनवा दीजिए, अल्लाह दावत दीन का काम ले लीजिए। ए अल्लाह न जाने कैसे कैसे गम के मारे और दुखियारे सुन रहे और सुनेंगे, आपके अलावा किसी से कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। ए दिलों के हालों को जानने वाले बहुत प्यारे अल्लाह, ए बहुत सोने अल्लाह, ए बहुत प्यारे अल्लाह, आपको अपने बंदों पर प्यार आता है, आपका बंदा जब आपसे दुआएं मांगता है, अल्लाह आप तो हर वक्त ऑनलाइन बैठे हैं, अल्लाह हर वक्त ऑनलाइन है, कोई बंदा आपको मैसेज तो भेजे, आप फ़ौरन रिप्लाई करते हैं या बाद में रिप्लाई करते हैं, या उसको ज़रूर कोई अजर देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ए बहुत करम करने वाले अल्लाह, प्लीज़ अल्लाह मान जाइए ना, अल्लाह हम में से एक एक को अपना बना लीजिए, एक एक को अपना बना लीजिए। अल्लाह इस लॉकडाउन को पूरे आलम से ख़त्म फरमा दीजिए, पूरे आलम की हरियाली को शादाबी में बदल दीजिए, पूरे आलम की अल्लाह पूरे आलम के बंजर होने को या अल्लाह दोबारा ज़रखेज़ी में बदल दीजिए, पूरे आलम के मामलात को दोबारा संवार दीजिए। ए रब्बे करीम, इस्लाम को गलबा अता फ़रमा दीजिए, बातिल को अल्लाह, बातिल को अल्लाह पसपाई नसीब फ़रमा दीजिए। ए रब्बे करीम, जो मांगा है वो भी अता फ़रमा दीजिए, जो मांगने से रह गया वो भी अता फ़रमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व असहाबिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।